गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज सुबह मेरे को ट्रेवर का कॉल आया और उसने मेरे को बताया कि माइकल के परिवार को माफिया के लोग उठाकर ले गए और जो सामने आप टापू देख रहे हो शायद माइकल और उसके परिवार को वहीं पर कैद करके रखा गया है, हो सकता है कि सामने वाले घर में। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे साथ ट्रेवर भी आ गया, अब हम दोनों मिलकर माफिया का सामना कर सकते हैं। भाई तू तैयार तो है ना? हाँ भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा फिर ठीक है, अपनी गन रिलोड कर ले। गाइस हम सामने वाले ब्रिज से तो नहीं जा सकते, मेरे को कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मेरे को लगता है ये सामने वाली बोट सही रहेगी, देखना कैसे मैं डायरेक्ट बोट पर लैंड करूंगा। अबे नहीं यार, मैं तो मिशन की शुरुआत में ही घायल हो गया। लेकिन ये ट्रेवर कहाँ रह गया? अबे ये आसमान से कैसे टपक गया? लेकिन इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? चलो गाइस अब जल्दी से नाव में बैठ जाते हैं क्योंकि मेरे को माइकल को भी बचाना है। चल बे नमूने जल्दी से बैठ जा। यार ये तो एक बार बोलने पर ही बैठ गया। गाइस इससे पहले कि हम आइलैंड पर पहुंचे, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें क्योंकि मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, पर आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा। अबे ओए गोली मत चला, नहीं तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। चल जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जा। ओके तो गाइस हम पीछे वाले रास्ते से इस मेंशन के अंदर घुसने वाले हैं। यार यहाँ पर तो दो लोग गन के साथ मेंशन की सुरक्षा कर रहे हैं। चलो चुपचाप अंदर चलते हैं। गाइस अब मेरे को इनको बेहोश करना होगा। चल बे टकले सो जा, इसको तो मैं धक्का देकर मार दूंगा। गाइस अब मेरे को ऐसे दिमाग को काम में लेते हुए माइकल के परिवार को ढूंढना होगा। अबे ओए गाइस मेरे को छुपना होगा, देखो सामने माइकल और उसके परिवार को माफिया ने बंधक बना रखा है। अबे फ्रैंकलिन इधर देख, मैंने तेरे को देख लिया। गाइस इसको तो मेरा पता चल गया, चल जल्दी से बाहर आ जा। ओके तो गाइस अब मेरे को इसके पास जाकर इनके साथ सौदा करना होगा। फ्रैंकलिन माइकल ने मेरे से 5 करोड़ रुपए लिए थे। तो भाई उन पैसों का क्या हुआ? इसने अभी तक वो पैसे मेरे को नहीं लौटा है। भाई मेरे को इनको छुड़वाने के लिए क्या करना होगा? तेरे को एक सुनसान टापू पर जाकर एक कीमती डायमंड चुरा कर लाना होगा। चल ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो इन लोगों को जान से मत मारना। ओके तो गाइस अब मेरे को यहाँ से जाना होगा ताकि मैं डायमंड को चुरा कर माइकल के परिवार को बचा पाऊँ। लेकिन यार ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ओ भाई तेरे पीछे देख। ओ भाई साहब इन्होंने तो ट्रेवर पर हमला कर दिया। गाइस अब मैं क्या करूँ? मेरे को लगता है ट्रेवर मर गया। रुको इन सब की ऐसी की तैसी करता हूँ। सॉरी ट्रेवर मेरे को माफ कर देना, मैं तेरे को नहीं बचा पाया। गाइस मैं भागते भागते थक गया, इसीलिए अब आगे का रास्ता हम साइकिल की मदद से पार करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उस टापू पर क्या है जहाँ जाने से माफिया डर रहा है। इसका राज मेरे को वहाँ जाकर ही पता चलेगा। सर शुरुआत में रास्ता कितना खतरनाक है, देखो मेरी साइकिल फंस गई। सर इस मिशन पर कुछ भी हो सकता है, मेरे को संभल कर आगे बढ़ना होगा। लगता है मेरे को सामने से जंप करवाना है। हियर वी गो। सर ये तो कमाल का स्टंट था, देखो ये ब्रिज कितना ज्यादा पतला है। अरे बाप रे ये तो पिछले वाले से भी पतली जगह है। अबे नहीं ना गाइस, अच्छा हुआ मैं पानी में नहीं गिरा, नहीं तो आगे मेरे को पैदल जाना पड़ता। अब ये मेरे सामने कौन है? अबे वो तो मर गया। अरे बाप रे ये तो शेर था। ओके तो गाइस अब मेरे को यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस पर साइकिल नहीं चल सकती। यार मैं तो थोड़ी दूर पर आकर ही थक गया, लेकिन ये मेरे नीचे कौन है? ओ माय गॉड गाइस ये मगरमच्छ कहाँ से आ गए? अब मेरे को समझ में आया आखिर माफिया यहाँ आने से क्यों डर रहा था। देखो वहाँ पर और भी है गाइस, ये तो आपस में लड़ने लग गए। सच बताऊँ तो मेरे को काफी डर लग रहा है, लगता है मेरे को संभल कर रहना होगा। अबे ओए नहीं 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 नहीं, अबे साले मेरे को छोड़ छोड़। गाइस अब मैं क्या करूं? देखो मेरे चारों तरफ मगरमच्छ है, लगता है इन्होंने मेरे को नहीं देखा। अबे बाल बाल बच गया, अब मेरे को जल्दी से बाहर निकलना होगा। देखो गाइस मैं बचकर जमीन पर पहुंच गया, लगता है मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अबे नहीं ना यार ये तो मेरे पीछे पीछे जमीन पर आ गए। गाइस मेरे को तेज भागना होगा, यार ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ओके तो गाइस अब आगे का रास्ता हम लोग बाइक की मदद से पार करेंगे। हियर वी गो। ओए ये रास्ते को क्या हुआ? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब मेरे को संभल कर इन चट्टानों को पार करना होगा। अरे बाप रे पानी में तो जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है। गाइस अगर मैं गलती से भी पानी में गिरा तो मैं इन सभी जानवरों का खाना बन जाऊंगा। देखो कैसे मेरे को घूर रहे हैं। यार अभी ये लोग कौन आ गए? इससे पहले कि मैं गिर जाऊं जल्दी से हेलमेट पहन लेता हूं। रुको इस लड़की को भी गिराता हूं। अबे तू कैसे बच गया? लेकिन अब नहीं बचेगा। ओ माय गॉड यार उस लड़की को तो मगरमच्छ खा गया। रुको उनके लिए और पानी में खाना डालता हूं। ओके तो गाइस अब जमीन पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। अबे नहीं ना यार गाइस मैं तो पानी में गिर गया पर मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब मेरे को जमीन पर जल्दी से पहुंचना होगा। देखो सामने बोट है गाइस, मेरे को लगता है मैं इस बोट पर सुरक्षित हूँ। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। अरे बाप रे कुछ तो ऊपर चढ़े हुए। गाइस आप पानी में देख सकते हो ये जानवर तो हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। अबे ये बोट पर कैसे आया? गाइस आपने देखा क्या हुआ? ये सभी तो नाव छोड़कर भाग गए। यार मेरे को भी किनारे पर जाना है। ओ माय गॉड ये नाव तो
डूबने वाली है। गाइस अब मेरा क्या होगा? देखो हम पानी के अंदर डूब गए और यहाँ पर तो मगरमच्छ भी है। अब इन बेचारे लोगों का क्या होगा? ये सभी तो मगरमच्छ का खाना बन जाएंगे। मेरे को जल्दी से किनारे पर जाना होगा। गाइस हम किनारे पर पहुँचने वाले, लगता है अब मैं सुरक्षित हूँ। ओ भाई ये कहाँ से आ गए? गाइस चलो जल्दी से मेंशन में घुसकर डायमंड को चुरा लेते हैं। यार यहाँ पर तो सिक्योरिटी के लिए गार्ड खड़े हुए। रुको इनकी बैंड बजाता हूँ। मेरे को लग रहा है ये वही कीमती डायमंड है जो माफिया को चाहिए था। गाइस देखो सामने चोपर है, मैं इसकी मदद से माइकल के पास जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं मगरमच्छ से बच जाऊंगा। चलो जल्दी से इसमें बैठ जाते हैं। एंड गाइस मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ लाइक बटन दबा दें। ऐसा करने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके तो गाइस अब मेरे को कूदना होगा, पर ये सामने जमीन पर क्या है? अरे भाई लोग हट जाओ। देखो मेरा कितना खून निकल गया, लेकिन ये लोग नाराज क्यों हो गए? लगता है मैंने इनकी पार्टी खराब कर दी। गाइस क्यों ना इस छत पे चढ़कर माफिया की जासूसी की जाए। देखो इन्होंने अभी भी माइकल के परिवार को बंदी बना रखा है। क्यों ना मैं इनको बिना निशाना चूके बंदूक की गोली से मार दूं? लेकिन अगर मेरा निशाना चूका तो ये माइकल के परिवार को मार डालेंगे। ओ भाई साहब मैंने इन्हें एक बार में ही मार डाला। चलो माइकल के परिवार के पास चलते। थैंक यू भाई हमें बचाने के लिए। अबे तुम भी तो मेरा परिवार हो। हाँ भाई तूने सही कहा। अबे ये सब पागल हो गए क्या? देखो कैसे नाचने लग गए। गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।